अजमेर में डेयरी बूथ पर चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने एक दिन पहले ताले तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। दूसरे दिन ताले तोड़े और हजारों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फायसागर रोड जगदम्बा कॉलोनी अजमेर निवासी भवन लाल ने बताया कि उसका कोटडा प्रगति नगर प्रजापति छात्रावास के सामने लक्ष्मी डेयरी बूथ है। एक दिन पहले रात को ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोरी नहीं कर सके थे। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। दूसरे दिन रात को चोरों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। सुबह जब डेयरी बूथ पर आया तो पता चला चोर यहां से गले में पड़ी चिल्लर व कुछ रुपए, बिस्किट के पैकेट, दूध की थैलियां, ठोस के पैकेट लेकर चले गए हैं। अतः कार्यवाही की जाए, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दो बार हुई सर, एक बार ताला तोड़ने की कोशिश हुई और एक बार ताला टूट चुका है। ये प्रगति नगर चौराहे पे दुकान है हमारी, डेयरी बूथ लक्ष्मी बूथ के नाम से है। इनको 7 तारीख को उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन ताला टूटा नहीं। तो मैंने रिपोर्ट लिखित में रिपोर्ट भी दी थी कि भाई मैंने डेयरी को ताला तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर 8 तारीख को सुबह मॉर्निंग में जब मैं ड्यूटी जा रहा था, मैं हाथीबाड़ा पावरा उसमें सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी पे हूँ, तो मॉर्निंग में देखता हुआ निकला जब ताला गायब था मेरा। और मैंने फिर हाथीबाड़ा कंट्रोल रूम और किशनगंज थाने में रिपोर्ट लिखवाई। तो फिर बाद में सिपाही जी आए थे, कुछ देख के गए थे, मुकाम मुआयना करा, और उसके बाद में मैंने माल देखा तो मेरा कुछ माल भी गायब था दूर।